बस आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेल बॉटम के ऊपर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। बेल बॉटम की कटिंग और स्टिचिंग तो मैं आपको बता चुकी हूं, और इसके ऊपर कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगता है तो ये मैं आज आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से ये गोल कटाव काटे हैं, तो ये थोड़े से चौड़े हैं। जो पजामे के ऊपर बनाते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, तो इसके ऊपर ये गोल जो मैंने काटे हैं तो ये बहुत ही थोड़े से बड़े हैं, तो वो छोटे होते हैं तो वो पजामे के ऊपर खूबसूरत लगते हैं। तो ये हमारा जो है ना बेल बॉटम के ऊपर ये चिल। अब हम इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से इसको रखकर चिपकाएंगे। तो मैंने ये पहले से ही कट करके रखे हुए थे, और इसकी जो है ना कटिंग किस तरह से की है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये इस तरह से 3 इंच चौड़ा ये बुकरम लिया था, और जो है ना 2 इंच इस तरह से लंबाई में लिया था, और इसको हल्की सी शेप गुलाई में देकर मैंने इस तरह से निशान लगा लिए थे। तो आप भी इस तरह से इसको हल्की सी शेप देकर इस तरह से निशान लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से कट जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये एक गोल काट के मैंने फ्यूजिंग पट्टी के ऊपर पूरे में ही निशान लगा दिए थे। फिर सब इस तरह से मैंने काटी है, जो लंबी पट्टी मैंने काटी हुई है। तो आप भी इस तरह से निशान लगा कर कट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चौड़ा है, इस तरह से आप इस गोल को कम भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल साइज़ है, मैंने ये नॉर्मल साइज़ भी कट करके आपको दिखा दिया है और चौड़ा भी कट करके दिखा दिया है। इस तरह से आप निशान लगा कर अगर काटेंगे तो बहुत ही सफाई से कटेंगे और ऊपर नीचे ये कटाव नहीं होंगे। अगर आपका नाप ऊपर नीचे हो गया तो फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे। मैंने फ्यूजन बिक्रम को इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। ये जो आधा आधा इंच इस तरफ से मैंने ये कपड़ा छोड़ा है, उसको हम फोल्ड करके इस तरह स्टिच कर देंगे। ये ऊपर का कपड़ा मैंने गोल कटाव में से कट कर लिया है, और ये दूसरे में से मैंने कट नहीं किया है ताकि आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से इसकी मैंने कटिंग की है, और दूसरे के जो है ना मैंने कटिंग कर लिया है। इस तरह से जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम गोल कटाव में से कट कर लेंगे, जो दूसरा नीचे से आ रहा होगा उसको आधा आधा इंच हम छोड़ देंगे ताकि हम जब फोल्ड करके उसकी स्टिचिंग करें तो वो आराम से स्टिचिंग हो जाए। तो इस तरह से हम रख कर इसको गुलाई में से कट करते जाएंगे, हल्का हल्का सा कपड़ा छोड़कर जब हम सिलाई करें, ताकि वो हमारी फ्यूजिंग और थोड़े से कपड़े पे सिलाई जाए और ये सिलाई उस फ्यूजिंग से निकले नहीं। तो इस तरह से आपने पूरे को इस तरह से कट कर लेना है। तो व्यूअर्स, इस तरह से मैंने ये नीचे से सिलाई भी लगा ली है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी कट कर लिया है। अब हम इसको फ्लैपर के ऊपर रखकर इस तरह से फिर अपने डिज़ाइन को उसके साथ स्टिच करेंगे, और मैंने ये फ्लैपर की जो सेंटर सिलाई होती है वो भी लगा दी है। अब इसके ऊपर इस तरह से हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा इस तरफ से आ रहा है आधा इस तरफ से छोड़ेंगे, आधा उस तरफ अपने जो कटाव है ना इसको हम इसके जो है ना सेंटर में रखेंगे। इस तरह से आप इसके पूरे में ही सिलाई लगाते जाएं, हल्का हल्का सा फ्यूजिंग के ऊपर जिस तरह से ये देखे आ रहा है तो इस तरह से लेना, और ज़्यादा फ्यूजिंग के ऊपर नहीं लें क्योंकि उसमें झोल आ जाता है। तो हल्की हल्की सी सिलाई फ्यूजिंग के ऊपर आनी चाहिए, तो बाकी में भी सारे हम इस तरह से स्टिच कर दें। बस इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है ये फ्लैपर के ऊपर, और इस तरह से हल्के हल्के से इसमें कट लगा दिया, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने कट कर दिया। और उंगलियों की मदद से इस तरह से हम इसको पलट लेंगे ताकि जो भी झोल वगैरह हो वो इस तरह से ख़त्म हो जाए। ये देखिए, इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता इसको नरमी से पलटिएगा ताकि ये कपड़ा इसमें से निकल ना जाए, और हल्का हल्का सा फ्यूजिंग की स्टिचिंग होगी तो आपका कपड़ा नहीं निकलेगा और झोल वगैरह भी नहीं आएगा। और हल्के हल्के से कट अप जब लगाएंगे तो झोल थोड़ा थोड़ा सा होगा वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको उंगलियों की मदद से ये जो है ना मैं इसको पलट कर पूरे को और इसको
आयरन कर दी। बस इसी तरह से मैंने सब कटाओं को हाथ की मदद से पलट कर तो मैंने इसको इस्त्री कर दिया है। ये देखिए कितनी सफाई से अब ये बन गए हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी जो है ना नाप है ऊपर नीचे नहीं होगा। अभी हम यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे। चाहे तो आप इसको तुरपाई भी कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं इसी तरह से, और उंगलियों की मदद से इस तरह से खींचते जाएं ताकि इसमें झोल नहीं आए। तो इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे और उंगलियों की मदद से इसको खींचते तो कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। जो थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा तो इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने एक दूसरे पोंछे को भी सेम इसी तरीके से ही बनाया है जिस तरह से इसको बनाया है, यही सेम तरीका उसको भी आपने ऐसे ही बनाना है और फिनिशिंग से ऐसे ही वो बनेगा। तो मैंने जो है ना ये देखे इसको स्टिच करके ये सिलाई लगा दी है पूरी की पूरी इसमें, और जितना आपकी चौड़ाई रखना चाहें पोंछे की मैंने देखे इस तरह से हाफ हाफ इंच इसमें रखा है कपड़ा। आप जितनी चौड़ाई रखना चाहें तो उसमें रख सकते हैं। इस तरह से आप इसकी फिटिंग कर लें। फिटिंग की सिलाई लगा रहे हो तो व्यूअर्स एक बात का ख्याल रखना, ये जो घुटने की गुलाई है यहाँ से आपने गुलाई बहुत ही अच्छे से देनी है, क्योंकि बेल बॉटम की गुलाई ही सबसे ज़्यादा इसमें होती है। क्योंकि अगर घुटने की गुलाई नहीं होगी तो आपका बेल बॉटम बहुत ही अच्छे से नहीं बनेगा। इस तरह से हमारा डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया है। ये देखिए मैंने दोनों पोंछों पर ही सिलाई लगा दी है और फिटिंग भी कर दी है। तो सेम ही एक ही तरीके से बनाए हैं मैंने दोनों को, और उसकी जो है ना गुलाई भी एक ही जैसी आई है, इसमें ऊपर नीचे नहीं आई। इसकी जो है ना फिटिंग भी एक जैसी आई। अगर इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपके ये देखें कटाव इसी तरह से ही सफाई से बनेंगे। अगर उसमें आपका जो है ना नाप का मसला होगा, अगर कटिंग में मसला होगा फिर उनके जब आप काटेंगे तो फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे, डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर नाप सही हो तो बिल्कुल ही सही बनते हैं इसी तरह से सफाई से। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।